वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर व्यूअर्स जी हाँ आप देख पा रहे होंगे आज का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है हम बाहर शूट कर रहे हैं मैं सफ़र कर रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ ये वीडियो इस तरह शूट करने का फोकस यही है कि अब ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है आने वाले महीनों में और हम आपसे जुड़े रहना बंद नहीं करना चाहते तो इस वजह से हमने सोचा कि जहाँ पर हैं जैसे हैं वीडियोस uh, रिकॉर्ड करेंगे आई uh, केयर के बारे में बात करेंगे आंखों के सेहत के बारे में बात करेंगे सेहत के बारे में बात करेंगे इन जनरल और अन्य अर्थपूर्ण विषयों पर डिस्कशंस करेंगे सो इट गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू शूट एंड रिकॉर्ड वाइल ट्रैवलिंग एंड आई वोंट हैव टू स्टिक टू द स्टूडियो सेटअप विच इज़ गुड आई विल कंटिन्यू दैट बट उसके लिए भी एक उपाय ढूंढा है मैंने आम, आम, मैंने अब बल्क में वीडियोस शूट करना शुरू किया है लाइक तो अभी घर से निकलने से पहले इस सफ़र पर मैंने पांच वीडियोस शूट कर लिए एंड हर दिन एक एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट है कि पाँचों वीडियो अगर एडिट हो जाए अपलोड हो जाए और शेड्यूल हो जाए तो आपको हफ़्ते दर हफ्ते शेड्यूल्ड स्टूडियो सेटअप में शूट किए हुए वीडियोस मिल जाएंगे बीच बीच में फिर हम इस तरह से भी थोड़ा बहुत जुड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ और बातें जारी रखेंगे आप भी अपने विचार बाँटें बताएं। आपको कैसा लगता है आप किन किन विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे एंड हम बहुत ही खुश होंगे आपके लिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बांटने में आपके साथ आ, एक चीज़ जो आज के वीडियो में कवर करना चाहूँगा वो है कि सफ़र के दौरान मुझे ख़ुद को पर्सनली ये एक्सपीरियंस होता है काफ़ी ज़्यादा कि मेरी आँखें सूख जाती हैं ड्राई आइज़ जिसे कहते हैं आ, अलग अलग कारणों के वजह से सफ़र में अब यहाँ पे मैं जब आया हूँ तो मुझे आ, बस का सफ़र करना पड़ा है और बस के सफ़र के लिए आप जानते हैं हम हमें वॉशरूम के स्टॉप्स कम मिलते हैं और वॉशरूम के स्टॉप्स कम होते हैं जब तब हम थोड़ा सा अपना पानी पीना भी कंट्रोल कर लेते हैं मैं एटलीस्ट प्लान करके निकलता हूं कि अच्छा अब इतना पानी निकलना है इस समय यहां पर गाड़ी रुकेगी बट आ, फिर वो वो डिहाइड्रेशन का वजह हो जाता है उसके वजह से फिर आ, मेरे ख़्याल से एक तकलीफ़ जो आती है वो है बदन में पानी की कमी होने लगती है एंड आंसुओं में भी हमारा एक एक्वेस कंपोनेंट होता है पानी का कंपोनेंट होता है तो टियर फिल्म के क्वालिटी में गिरावट आ जाती है एंड uh, आप फिर uh, टियर इवेपोरेशन होता है और आपको फिर सेंसिटिविटी uh, बढ़ जाती है कॉर्निया में एंड जलन महसूस होता है आपको और ड्राई आइज़ का जो सिम्टम्स हैं फिर वो आने लगते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि पानी पीता रहूँ हाँ थोड़ा सा बस वाला जो सिस्टम है उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता लेकिन बस का सफ़र ख़त्म होते ही मैं ये सुनिश्चित करता हूँ ये इंश्योर करता हूँ कि मैं तुरंत ही सफ़िशेंट पानी पी रहा हूँ एंड देन नींद एक और बात है और एक चीज़ जो मैं वाकई में रिकमेंड करूँगा कि नींद पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें बहुत बार वो कहते हैं ना थ्रोन अंडर द बस एक कहावत है कुछ भी होता है तो हमारी नींद को हम धकेल लेते हैं बस के नीचे नींद सेक्रीफाइज हो जाती है आपके डे टू डे जीवन में भी नींद को एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट मानिए नींद पूरा कीजिए समय पर बॉडी को आदत डालिए नींद लेने की एंड ट्रैवलिंग uh, uh, पर भी अगर आपको जर्नी में सोने में दिक्कत होती है तो कोशिश करें कि अपने अपने सोने के तरीके को कंफर्टेबल बनाएं जो सी तरह सी नेक पिलोज़ आते हैं फोम के मेमोरी फ़ोम के वो यूज़ करें मैं ख़ुद अपने अनुभव में uh, नेक पिलो यूज़ करता हूँ uh, आई पैच यूज़ करता हूँ थोड़ा अंधेरा सा माहौल हो जाता है uh, ईयर प्लग्स यूज़ करता हूँ कभी कभी आवाज़ और रोशनी को जब काट दिया जाए तो ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है तो मैं कई बार मैंने अनुभव किया है कि मुझे अच्छी नींद आ जाती है फ्लाइट पर आ, ट्रेन में ईयर प्लग्स यूज़ करते समय थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हमारा एक तरह से का कान बहुत ज़रूरी होते हैं कभी कभी अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं या कुछ घटना घटती है तो कोई तो सेंसरी ऑर्गन फंक्शन होता रहना चाहिए मगर नींद बहुत ज़रूरी है नींद की कमी के वजह से आँखों में जलन होने लगती है अगेन हमारा फिल्म का क्वालिटी इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत सारे कारणों की वजह से हमें ड्राई आइज़ महसूस होने लगते हैं मैं एक और चीज़ जो मैं नींद के लिए करता हूँ वो है कि मैं अपना एक ट्रैवल पिलो लेकर चलता हूँ डी कैथलॉन से मैंने एक इन्फ्लेटेबल पिलो ख़रीद लिया है और उसे मैं यूज़ करता हूँ सोने के लिए जहाँ भी जाऊँ भले चाहे वो मुझे साफ़ भले ही दें जहाँ पे मैं अभी ठहरा हूँ यहाँ पे भी मेरे पास पिलोस हैं साफ ब्लैंकेट्स हैं मगर मैं पिलो और अपना एक स्लीपिंग बैग लेकर चलता हूँ ताकि मेरे मन को ये तैयारी रहे ये आश्वासन रहे कि जब सोने का समय आएगा तो हमारे पास एक फमिलियर क्या कहते हैं फमिलियर फीलिंग होगा उस वही पिलो होगा जो पिछले ट्रैवलिंग में भी यूज़ किया गया है कुछ नया कुछ अलग नहीं होगा तो वो कभी कभी मुझे मदद करती है uh, नींद पूरा करने में नींद की शुरुआत करने में स्टिमुलेट करने में तो ये एक, uh, एक और हेल्पफुल uh, चीज़ रहा है मेरे लिए uh, दोस्तों आशा है कि आपके साथ uh, जुड़े रहेंगे इसी तरह ये फॉर्मेट मेरे लिए भी नया है मैंने एक और व्लॉग किया था साइकिलिंग पर आ, मगर मैं भी सीख रहा हूँ पता नहीं एंगल्स कैसे पकड़ने हैं फ़ोन को कैसे पकड़ना है हाथ थोड़ा दुख जाता है तो फ़ोन बदलता रहता हूँ मैं हाथ बदलता रहता हूँ लेकिन आपका साथ है एंड एक एक कारण जिसके एक ख़ास कारण जिसकी वजह से हमें ये मोटिवेशन मिल रही है आपसे जुड़े रहने की वो पिछले कुछ समय में आपके कमेंट्स है दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे ईमेल्स आते हैं यूथ uh, uh, से प्रैक्टिशनर्स से वो अपने प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए डिस्कशन uh, करते हैं कंसल्ट करते हैं ऑप्टोमेट्री एज अ करियर चुनते समय वो कंसल्ट करते हैं डिस्कशन करते हैं uh, तो बहुत ख़ास लगने लगा है ऐसा लगने लगा है कि हमारा चैनल कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है लोगों के जीवन को छू रहा है टच कर रहा है तो इस वजह से वाकई में हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं और हर एक प्रयास करेंगे आ, वीडियोस डालते रहने के लिए रेगुलरली और इम्पॉर्टेंट कंटेंट ताकि आपके जीवन में कुछ वैल्यू पहुंचे, कुछ कुछ फ़ायदा हो आपको ये दो तीन मिनट बिताकर वीडियो देखकर कर आपसे बने रहेंगे दोस्तों अगले वीडियो तक ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए थैंक यू